हेलो दोस्त, वेलकम टू विजडम जॉब्स। विजडम जॉब्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम सैयद गोरी मोहम्मद। आज मैं करंट अफेयर्स का टॉपिक सवाल और जवाब के रूप में देने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो सवाल हो गया, एज ऑफ फेब्रुवरी 2020 विच कंट्री इज इंडिया टॉप ट्रेड पार्टनर। ये जो आज यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील हुआ, यहाँ पर हमें बहुत जानकारी लेना है, क्योंकि आप 2020 फरवरी का ये जो हिसाब से कौन सा कंट्री इंडिया से जो टॉप ट्रेड पार्टनर बन गया, तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिया गया है, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और फ्रांस। यहाँ पर तो सही जवाब बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो हमें ट्रेड जो हुआ था एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर 2019-20 द बायलेटरल ट्रेड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया स्टूड एट $68 बिलियन के पास हो गया। यहाँ पर इस चीज़ को हमें जानना पड़ेगा, $68 बिलियन के पास रुका हुआ है, और जबकि चाइना का था सिर्फ $64.96 बिलियन। तो 2019-20 का जो ट्रेड है, ट्रेडिंग रिलेशंस है यूएस और इंडिया के बीच, $68 बिलियन का हुआ है, जबकि चाइना का सिर्फ $64.96 बिलियन था। अभी हमें चाइना का जो ट्रेड वैल्यू था उसको क्रॉस कर दिया यूएस ने। अभी इसके हिसाब से इस सवाल का जवाब ये बन गया कि फरवरी 2020 के हिसाब से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो इंडिया का टॉप ट्रेड पार्टनर बन गया, प्रधान जो भागस्वामी बन गया कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में। यूएस तो टॉप वन प्लेस में है, जबकि 2018-19 इंडिया हैज़ ए ट्रेड सरप्लस ऑफ 16.85 मिलियन विथ यूएस। यूएस से सिर्फ हमें ट्रेड सरप्लस कितना था, सिर्फ 16.85 बिलियन डॉलर के पास रुका हुआ था, लेकिन यहाँ पर जबकि चाइना का और इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस था 53.56। ये जो था 2018 और 19 जो फिनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से हमें ये एस्टिमेशन हो रहा है, लेकिन 2019-20 के हिसाब से जो यूएसए हमें जो ट्रेड सरप्लस जो हुआ 64.96 बिलियन हुआ, जबकि चाइना का सिर्फ 64.96 बिलियन था। अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि चाइना का जो ट्रेड इंडिया को और चाइना के साथ जो ट्रेड सरप्लस था 64.96 उसको क्रॉस कर दिया 2019 और 20 फिनेंशियल ईयर में, एज पर फरवरी 2020 के हिसाब से यूएस का 68 बिलियन हो गया, और यहाँ पर चाइना को क्रॉस करके यूएस टॉप पोजीशन में चले गया। अभी इस चीज़ की बहुत जानकारी करना पड़ेगा हमें, यूएस ने चाइना को क्रॉस करके यूएस ने टॉप पोजीशन में पहुंच गया, और सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी, यूएस ने टॉप पोजीशन में गया चाइना को क्रॉस करके, जबकि चाइना का सिर्फ 64.96 और यूएस का 68 बिलियन डॉलर हो गया। इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्त, तब कि रशिया से ऐसा हमें ट्रेड इतना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो 1990 से जो पहले थे हमें और रशिया के जो रिलेशंस थे इंडो रशियन रिलेशंस वो सही थे, और जवाहरलाल नेहरू के जब पॉलिसी बनाते थे रशिया से तब ट्रेडिंग एक्टिविटी अच्छा था, लेकिन उसके बाद रशिया से हमारे जो टर्म्स है ख़राब हो गए। अभी जो कुछ भी है चाइना का और यूएस का चल रहा है, और रिसेंटली जो फिनेंशियल ईयर है 2019 और 20 चाइना को क्रॉस करके यूएस ने 68 बिलियन डॉलर के पास सरप्लस हो चुका है। अभी चाइना को क्रॉस करके यूएस टॉप पोजिशन में है, इसलिए अब इंडिया का जो टॉप ट्रेड पार्टनर हो गया यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा चर्चा में आप शामिल हुए और मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद सुनाना चाहता हूँ मैं। और एक बात मैं कह रहा हूँ कि हमारा विजडम जॉब्स का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप हमारे शेयर करने का और कमेंट करने का और उसके साथ साथ लाइक करने का मैं आपसे गुजारिश मानता हूँ, राइट, आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश फिर से करता हूँ कि हमारे जितने भी वीडियोस हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर से हमें आगे हमारी जो चर्चा कंटिन्यू करने वाले हैं, शुक्रिया।